जयसे मैडम। लाल बावटा वालों ने क्रांति चौक से जेडपी तक मोर्चा निकाला था उनका, फिर उनका निवेदन जेडपीसीओ को दिया, उसके बाद रास्ता रोको करने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनको ताबे में लेके या लाया है। अभी उनके ऊपर 135 की केस दर्ज हुई है और उसके तहत उनको 41 की नोटिस दे रहे हैं। अभी काम चालू है, उसकी फिगर तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन काम चालू है। जितने भी है सब पे गुनाह दाखिल हुआ है और सब पे कार्रवाई होगी। ठीक, आपका पूरा परिचय बता। मैं हूँ संपत शिंदे, ACP सिटी डिविजन। हे आजचा जो आहे आमचा 4 डिसेंबरपासून बेमुद्दस आमचा संप चालू आहे, आणि संप चालू असताना विकास मीना हे आपले जिल्हा परिषद शिवसाहेब आहेत, तर त्यांनी आम्हाला नोटिसा ज्या पाठवलेल्या आहे अंगणवाडी सेविकांना, तर त्या नोटिसा आम्हाला भेटलेल्या नाही आहे। आणि त्याच नानीचं सांगता का, एकीकडे सांगता का 10 दिवसाच्या आत तुम्ही काही ज्या आहे मुख्य सेविका ते सांगतात 10 दिवसाच्या आत तुम्ही ड्युटीवर जॉईन व्हा, आणि काही सांगता का 24 तासामध्ये व्हा, आणि अशा ज्या धमक्या ते आम्हाला देत आहे त्या धमक्याच्या विरोधात आम्ही आजचा हा जेलभर आंदोलन आम्ही केलेले कॉम्रेड तारा बंसोड जिल्हा सचिव। आगे का मंत्रालय में न्याय जाने वाले हैं। आपका पूरा परिचय बताइए। मैं कॉम्रेड तारा बंसोड़े जिला सचिव आणि राज्याचे उपाध्यक्ष सॉरी कोषाध्यक्ष। मैं एडवोकेट कॉम्रेड अभय टकसाल आईटक का राज्य काउंसिल का मेंबर हूं। पिछले 47 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चित हड़ताल चल रही है आंगनवाड़ी सेविकाओं की, मदतनीसों की, और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। उनको पगारवाड़ चाहिए, वेतन वृद्धि चाहिए और पेंशन चाहिए। आमदारों को पेंशन है, तहसीलदार को, तलाटी को, खासदार को, सबको पेंशन है, फिर हमारे आंगनवाड़ी कर्मचारी को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। अगर ये सवाल अगर हम करते हैं और ये मांग करते हैं तो हम कोई चांद तारे थोड़ी मांग रहे। और फिर भी ये जो IAS ऑफिसर है रूबल अग्रवाल ये, और यहाँ के जो CEO है विकास मीना, ये इंसान नहीं रहे, राक्षस का रूप इख्तियार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को वोट मांगना है, रूबल अग्रवाल और विकास मीना को वोट नहीं मांगना है। और इसलिए IAS ऑफिसर के कितना सुनना ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए। अगर इनसे पंगा लिया, ये ऐसी महिलाएं हैं जो घर घर जाती हैं, हर घर में इनका आना जाना है, और घर की हर महिला इनका सुनती है, और घर की हर लड़की इनका सुनती है, और घर की औरत अगर इनका सुनती है तो औरत का मर्द को ही सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा मर्द को। और इसीलिए इनका अगर गुस्सा अगर उन्होंने आंग पे ले लिया तो आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की सरकार नहीं आने वाली, ये बात बिल्कुल तय है। हमने एक झलक बता दी, इन्होंने ताला तोड़ना चाहा, है इन्होंने नोटिसा दिए, इन्होंने नोटिसा फाड़ दिए, उन्होंने और नोटिसा भेजे जला दिए, इन्होंने ताला तोड़ने को आदमी भेजे उनको भगा दिया। ग्राम पंचायत इनकी तरफ से, क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच को मालूम है आंगनवाड़ी ताई वोट दिलाएंगी, ये हमारी आंगनवाड़ी ताई वोट दिलाने वाली, उसको सरपंच करने वाली है, उसको ग्राम पंचायत सदस्य करने वाली है, और इसलिए इनसे बुरापन कोई नहीं लेगा। और इसलिए अभी भी टाइम है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जागो और इनकी मांगे मान लो। अगर इन्होंने ये नाराज हो गई
तो 24 में तुमको ही घर पे जाना पड़ेगा। मोदी चले जाओ, नरेंद्र मोदी चले जाओ, नरेंद्र मोदी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। विकास मीना हमारे गांव में आके दिखा, गाड़ी का ताला तोड़ के दिखा, अभी तो यह लड़ाई है। कॉमरेड राम बाहेटी आईटक राज्य उपाध्यक्ष TUC के ओर से रखा गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 104 साल पुरानी संगठन है इस देश की, उसके ओर से और कृति समिति के ओर से पिछले 45 दिनों से महाराष्ट्र के 2.25 लाख आंगनवाड़ी कर्मियों का हड़ताल चल रहा है और आज 45वां दिन है। अब सरकार क्या कर रही है, जिला परिषद के CO जो है औरंगाबाद के विकास मीना साहब, उन्होंने 24 घंटे के अंदर सब आंगनवाड़ियों ने ज्वाइन हो जाना चाहिए, अपनी आंगनवाड़ी खोलना चाहिए, ऐसी नोटिस भेजी है। वो नोटिस भी इनके बच्चे के नाम से, इनके मिस्टर के नाम से, इनके भाई के बहन के नाम से भेजा है, इनके मोबाइल पे नहीं भेजा है, क्योंकि इनका मोबाइल सब जिला परिषद में जमा है। वो ख़राब मोबाइल था, हैंग होता रहता था, इसलिए मोबाइल की अंत यात्रा निकाल के हमने पिछले साल जिला परिषद में जमा करवा दिए थे। अब इनको नया में वो मोबाइल नहीं दिया है अभी तक, तो यदि नोटिस देना है आपको तो ग्राम पंचायत पे क्यों चिपकाते हो, और भाई के बहन के सासू के ससुर के मिस्टर के नाम व्हाट्सएप पे क्यों भेजते हो, वो देखते ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर रहते हैं। ग्राम पंचायत में भी चिपकाते हो तो ये क्या जाके थोड़ी देखती है। तो हमारा कहना है कि ये गंभीर नहीं है सरकार और प्रशासन, इनको नोटिसा उनको घर पहुंच देना चाहिए, वो नहीं मिली है, नंबर एक। नंबर दो, 24 घंटे के अंदर ज्वाइन हो, ये कहाँ का रूल है, हमने पूछा विकास मीना साहब को, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। उनकी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि 10 दिन के अंदर 10 दिन की सूचना देके हम आपको निकालेंगे यदि कर्तव्य में कसूर हुआ तो। तो ये तो 24 घंटे में ही ज्वाइन हो बोल रहे हैं, ये तो सरासर तानाशाही है, मनमानी है, इसका हम निषेध करते हैं। आज पूरे राज्य में आईटक की ओर से जेल भरो और मोर्चे आंदोलन हो रहे हैं, और लाखों की तादाद में आज महिलाएं आंगनवाड़ी कर्मचारी जेल में है, रास्ते पे है, मोर्चे में है, डेमोन्स्ट्रेशन में है। हमारी मांगे ये है सरकार से कि भाई हमने बहुत साल बहुत दिन हो गए आपने इनका बढ़ाया नहीं है मानधन। एक तो हमारी बेसिक मांग है कि ये रिटायर होने के बाद इनको क्या रहता है, इनको पेंशन मिलना चाहिए। 4 जनवरी को मंत्रालय में मीटिंग हुई, उसमें प्रोसीडिंग्स भी है कि आम्ही प्रयत्न करूँ असं त्याच्यात लिहिलेलं आहे। कॉन्ट्रीब्यूशन यदि देती होंगी महिला है तो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है ना, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना डालोगे बोलो। इनका 100 होगा तो उन्होंने गवर्नमेंट ने 100 डालना चाहिए, इनका 200 होगा तो उन्होंने 200 डालना चाहिए, तो हम तो तैयार है, वो प्रोसीडिंग्स में भी है, मगर क्या है फिर आगे क्यों नहीं जा रहा है मामला। ग्रेच्युटी देने का निकाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने के बावजूद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। वो ग्रेच्युटी देना चाहिए, मंथली पेंशन देना चाहिए, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट से ज़्यादा काम करते हैं ये, आंगनवाड़ी सेविका को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का, और आंगनवाड़ी मदतनीस को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देना पाहिजे, ये हमारी मांगे है। मगर ये कुछ भी पूरी नहीं करते हैं, सिर्फ एक मांग पूरी की है कि महाराष्ट्र में के जो 13,000 मिनी आंगनवाड़ी है उसका पूरी आंगनवाड़ी में फुल आंगनवाड़ी जो रहती है उसमें रूपांतर करो, ऐसी हमारी कई दिनों की मांग थी, उन्होंने 10 जनवरी को वो मांग मान ली है। हमारा आज का ये जो है नोटिसा के खिलाफ है, नोटिसा जो आ रही है इलीगल नोटिसा है, और उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन चल रहा है। घाबरू नका, होईल ते होईल, आपण लोकशाही मार्गाने शांततामय मार्गाने नोटिसा देऊन आंदोलन केलेलं आहे, आणि आता आपण पुढच्या आंदोलनाची दिशा लवकरच जाहीर करणार आहोत। सगळ्यांनी लक्ष द्या, एक तर आज रात्री होणार आहे ऑनलाईन, पण महिला थकलेल्या आहेत म्हणून त्यांचं म्हणणं की उद्या। बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी।
तुम्हारे साथ है। अरे बिल्किस बानो हम तुम्हारे साथ है। अरे बिल्किस बानो हम तुम्हारे साथ है। बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी।